जो दोषी है झगड़ा के माने उसकाने वाला है लोग हैं वो प्रशासन चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को पकड़े वो ऐसा आदमी का हम लोग फेवर नहीं करते हैं। ये पार्टी के हो चाहे वो पार्टी के हो, झगड़ा लगाने वाले लोग है जो आग लगाते हैं आ घर जरवाते हैं अपना आराम से रहते हैं वो लोग का माने हम लोग पक्ष में नहीं रहते, वो लोग के खिलाफ रहते हैं। काम करें ताकि बढ़हरिया में कलंकित नहीं हो, बढ़हरिया का नाम कलंकित नहीं हो, बढ़हरिया आपसी भाईचारा बनाए रखें। 85 वर्ष के ऊपर के विधायक जी हम लोगों ने देखा है उनका पैर फ्रैक्चर है। तो बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं बता दूं 8 तारीख को शाम में 2 गुटों में यही स्थान है, दिखाइए एक मरतबा, देखें प्रशासन भी होगी यहाँ पे। और 8 तारीख को शाम में दोनों गुटों में झड़प हो गया और कई लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, कई लोग बेकसूर भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। लेकिन आज सिवान ज़िले के रघुनाथपुर विधानसभा से हरिशंकर यादव जी आए हुए हैं, कई ऐसे जो राजद के नेता हैं वो लोग भी आए हुए हैं। हम बातचीत करेंगे हरिशंकर यादव से। 8 तारीख को घटना हुआ था, धरातल पे आप लोग भी देखे होंगे, हरिशंकर यादव जी हैं जो कि सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा से आते हैं। आज ये इस घटना को जायज़ा लेने आए हैं, दोनों पक्ष से मिले हैं, पहले मुस्लिम पक्ष में गए थे, उसके बाद से जो हिंदू पक्ष है उन लोगों के पास भी गए थे और उनसे बातचीत किए हैं। जो मासूम लोग अरेस्ट हुए हैं, हालांकि जो भी इनसे बात हम पूछे थे ऑफ कैमरा, इन्होंने कहा कि जो भी मामला हुआ है उसको शांति किया जाए और जो लोग यहाँ पर मिल व्यवहार करें, चूँकि इन्हीं लोगों की यहीं पर रहना है, हम लोग आ जाएंगे खैर खैरत लेकर चले जाएंगे। जो घटना हुआ है कितना निंदनीय घटना है? देखिए घटना तो मैंने कितनों निंदा किया जाए बहुत कम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई मेला कोई अथी हो जहाँ होता है तहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक पक्ष के नहीं कह रहा, दोनों पक्ष के लोग कुछ ऐसा लोग होते हैं कि इन लोग का यही काम है उसका देना और सब लोग चपेट में आ जाते हैं। बताइए छोटा छोटा बच्चा भी पकड़ के गए हैं, सब लोग अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ से दोनों पार्टी के लोग भागे हैं। तो ये बहुत मने दुखद बात है, जो मने हर साल कभी कभी लोग मेला में कर देते हैं तो ये तो बहुत दुखद बात है। बाकी हम लोग आए हैं इसी दोनों पार्टी के तरफ घूम रहे हैं कि भाई आप लोग शांति से रहिए, शांति बनाइए, मिलजुल कर रहिए, सौहार्द से रहिए, कोनो तरह का कोई जगह जमीन के झगड़ा है नहीं, बिना मतलब के ही झगड़ा है, किसी के उसकावा में मत पड़िए, अपना सोच समझ करके रहना चाहिए, अपना जीवन बसर करना चाहिए। अब देखिए औरत लोग घर में है, मर्द लोग भाग गए इधर उधर रहते हैं हितई परितई, कितना समस्या हो गया है। तो एसपी साहब से मांग करेंगे जो लोगों को नाम जनक है उन लोगों का, अरे एसपी साहब कलेक्टर साहब से हम मांग करेंगे, सरकार को भी जाकर बताएंगे, अभी तो हम लोग के सरकार हैं वहाँ भी जाकर बताए हैं जिस स्तर का घटना घट गई तई में निर्दोष लोग बच्चा लोग पकड़ाए हैं, हम जाके बात करते हैं वहाँ भी बात करेंगे। इसीलिए ना हम लोग आए हैं कि जब पहले समझ ले, हम पूरा कहानी समझे, कल 12 बजे आए, एक यहाँ फंक्शन हो रहा था मैरज हॉल, लड्डू जी हैं बार बार फोन कर रहे थे तो हम वही आए, तो हम मैंने लेट हो गया वहाँ नहीं बतिया पाए दोनों पार्टी से, तो आज हम सब काम छोड़ करके 2-4 आदमी के ले करके आ कहे जो भाई चलिए बढ़हरिया में ऐसा ऐसा हुआ है, दोनों पार्टी के मिल करके समझा बुझा दिया जाए आ ये केस के हम लोग चाहते हैं जो खेत जजाद के झगड़ा है नहीं आ दोनों पार्टी परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम लोग ये लोग तब ठीक हो जाएंगे, ये लोग तब दोनों पार्टी ठीक हो जाएंगे तो हम लोग प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। ये दोनों पार्टी तब ठीक हो गया एक हो गया राय से मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं तो आप लोग केस उठाइए, असद जितना लोग पकड़ा है उसको छोड़िए और बाकी लोग को नहीं पकड़ना है, हम लोग सब कहेंगे जो लोग दोषी उन लोगों को सजा दी जाएगी, जो लोग दोषी हैं तो चिन्हित करके जो दोषी है झगड़ा के माने उसकाने वाला है लोग हैं वो प्रशासन चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को पकड़े, वो ऐसा आदमी का हम लोग फेवर नहीं करते हैं, ये पार्टी के हो चाहे वो पार्टी के हो, झगड़ा लगाने वाले लोग है जो आग लगाते हैं आ घर जरवाते हैं अपना आराम से रहते हैं वो लोग का माने हम लोग पक्ष में नहीं रहते, वो लोग के खिलाफ रहते हैं, वो प्रशासन के काम है वो करेगी प्रशासन। डब्ल्यू जी क्या कुछ मतलब कि घूम रहे हैं, क्या कुछ बातें निकल कर रही हैं सामने, क्या कुछ कहूँ उन लोगों से जो लोग भीड़ जाते हैं?
अब ये ना समझी है, क्योंकि एक जगह रहना है आ छोटी छोटी बातों पर लड़ना आ एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं को किसी भी आदमी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम लोग दोनों पक्ष के लोगों से मिले हैं और देख रहे हैं कि जैसे अभी मालूम हुआ कि एक छोटा बच्चा जो 8 वर्ष का है वो भी जेल गया है, उस बच्चे का क्या कसूर है? अगर समझदार लोग, बड़े लोग ऐसा गलती नहीं करते तो बच्चा जेल नहीं जाता। एक 85 वर्ष के ऊपर के विधायक जी हम लोगों ने देखा है, उनका पैर फ्रैक्चर है, तो कड़े शब्दों में हम लोग इसका निंदा करते हैं। हम लोग कोशिश में हैं कि आपसी सौहार्द यहाँ नहीं बिगड़े। विधायक जी हमारे पहल किए हैं, दोनों समुदाय के लोगों से बात हो रही है कि यहाँ का माहौल अभी नहीं कभी नहीं बिगड़े। हम लोग का प्रयास यही रहेगा, दोनों फरीक को हम लोग मिला दें। कानून अपना जो काम है, कानून अपना काम करेगा। मैडम बढ़रिया में आए दिन घटना देखा जाए तो पुरानी बाजार होगी या करबला होगी, घटना घटती रहती है, प्रशासन की चूक इसमें दिखाई दे रही है मैडम। देखिए सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करती हूँ, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आपसी भाईचारा बना कर रहना चाहिए और सब ठीक ही डब्लू जी ने कहे कि सबके धर्म को सम्मान करना चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों पक्ष आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा निभाना हम सबका कर्तव्य है, सभी धर्मों का पालन करना हम सभी का अपना अपना लोगों को अपने अनुसार धर्म का पालन करते हैं, करते रहेंगे। मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगी, प्रशासन से भी मांग करूँगी कि जो दोषी हैं उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष हैं उसको निश्चित रूप से रिहा किया जाए। और दोनों हमारे भाई एक हैं, दोनों भाई मिलजुल कर आपस में भाईचारा बनाने का काम करें ताकि बढ़रिया में कलंकित नहीं हो, बढ़रिया का नाम कलंकित नहीं हो, बढ़रिया आपसी भाईचारा बनाए रखें। यही मेरी मुझे कहना।